एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो ना तो है मैन के ऊपर ना ही वोमेन के ऊपर। आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड है हमारे डॉग के ऊपर, जिसे आप जानते हैं लाडो के नाम से। देखिए, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो पेट ग्रूमर्स है वो उनके घर पे आए, या फिर आपको पेट ग्रूमर्स के पास डॉग्स को ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा सजेशन दूं कि घर पे ही ऐसी पेट वैन आपके पास पहुंच जाए और आपके डॉग को नहला के बकायदा आपके घर पे छोड़ दे, तो कैसा रहेगा? चलिए तो देखते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इसको लेकर चलते हैं वैन के अंदर। जो भी डेट का आप चाहते हैं उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो हम पहुंच चुके हैं अंदर फिलहाल, तो अभी हम लाडो को यहाँ ऊपर चढ़ा देते हैं और अपनी लीश खोल के इनकी लीश लगा देते हैं, ताकि इजी पड़े उनको भी और लाडो को भी। ओके। गाइस, तो जो ये वैन होती है बेसिकली ये एक प्रकार की वैनिटी वैन है डॉग्स के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्हें नहलाया जाता है, उन्हें उनका हेयर कट वगैरह किया जाता है, नेल कट्स किए जाते हैं, ईयर साफ किया जाता है, टीथ साफ किया जाता है, वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं भी आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये वैन दिखती कैसे है। तो ये है दरवाजा जहाँ से हमने एंट्री की। हाँ, ओके, ये है हमारी लाडो। यहाँ पे बढ़िया एसी लगा हुआ है और यहाँ पे शैम्पू है, और यहाँ पर उन्हें नहलाया जाता है डॉग्स को, और यहाँ पे मिरर भी है। अगर डॉग्स को गर्म पानी चाहिए तो उसका भी यहाँ पे इंतजाम है। यहाँ पे एक गीजर लगा हुआ है और ये ब्लोअर लगा हुआ है इनका। गाइस, हस्की का दो बार शेडिंग टाइम आता ही है और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, फिर चाहे आप इन्हें साइबेरिया में रखें या फिर इंडिया में। तो अभी इसका शेडिंग टाइम था और गर्मियों का समय भी चल रहा, तो हमने कहा क्यों ना इसका अच्छे से डीशेडिंग करा दिया जाए और अच्छे से इसे बाथ भी दे दें। आफ्टर ऑल, मुंबई की गर्मी में तो इंसान भी परेशान हो जाते हैं। गाइस, इनके पास में जो भी शैम्पूज हैं आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके डॉग को कोई स्किन रैशेस या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, अरे बाबू बोलने तो दे, तो ऐसे मेडिकेटेड शैम्पूज भी इनके पास में मौजूद है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नॉर्मल बाथ देना है तो बहुत सारे अलग अलग फ्रेग्रेंस के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन एप्पल हो गया, आपका पपाया हो गया, जो भी है आप अपने डॉग के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो अभी ब्लो मार के इसके पूरे बाल निकाल दिए गए हैं, जो ऊपरी बाल थे बेसिकली डीशेडिंग के टाइम पे जो होता है। अभी इसको बाथ देंगे, अभी शैम्पू लगा के 5 मिनट वेट करेंगे, फिर वेट करने के बाद थोड़ा डोर मारेंगे, फिर बाद में रिंस करेंगे, तो फिर उससे अंडरकोट निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने फिट कर दिया है हमारा इंस्टा 360 और अब लेने वाले हैं इसे हम बाद। तो अभी हमारी लाडो पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, अभी लाडो को शैम्पू लगा रहे हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद फिर इसको रिंस करेंगे। गाइज, वीडियो को बनाने के लिए मेहनत, पैसा और समय लगता है, तो प्लीज गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारी लाडो को पूरा शैम्पू लग चुका है, अब होने वाला है ब्लो ड्राई। अभी रिंस करेंगे इसको, बाद में कंडीशनर लगा के फिर से ब्लो ड्राई करेंगे, फिर रिंस करके फिर ड्राई की लगेंगे। अभी फिर से उसको नहला रहे हैं, अभी तो से उसको रिंस कर रहे हैं। गाइस, आपको जो ये बाल दिख रहे हैं वो हमारी लाडो के अंडरकोट से निकले हुए बाल हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में लाडो को रुक तो जाए। हाँ, ठीक है ठीक है, कंडीशनर लगाया जा रहा है। कंडीशनर लगाने के बाद 5-7 मिनट उसको भी रखेंगे और उसके बाद ब्लोअर यूज करेंगे और उसके बाद फिर रिंस करेंगे। तो जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं कि ये पेट वैन होती कैसी है बाहर से। अब आपके पास में चाहे कैट हो, डॉग हो या कोई भी पेट हो, ये उन सभी की ग्रूमिंग आपको करके देते हैं। इसके छत पे पानी का टैंक है, एसी और उसका यूनिट है और जनरेटर भी है, जिससे ये पूरा वैन चल रहा है। गाइस, इतना तामझाम इसमें लगा हुआ है, पूरा एसी वेसी ब्लोअर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है वो यहाँ पे एकदम तगड़ा तरीके से लगाया गया है। तो गाइस, कंडीशनर लगाने के बाद फ्लो ड्रायर हो चुका है। हाँ हाँ बाबू, अब हम करने वाले हैं रिंस। अभी आपको रिंस करेंगे लाडो। अरे आपको तो मजा आना चाहिए लाडो, बाबू गर्मी में ठंडा पानी मिल रहा है। अब बारी आती है टूथपेस्ट लगाने की, हमारे बाबू का अभी पूरा दांत घिसा जाएगा। गाइज, मैंने भी एक पहले वीडियो बनाया था, तो उसमें कहा था सबसे बेस्ट आपकी उंगली होती है, जब आप
लाडो यानी कि लाडो क्या, कोई भी डॉग के जब आप दांत घिसते हैं तो उंगली सबसे बेस्ट होती है क्योंकि आप उसको अच्छे से मूव कर सकते हो और आप महसूस कर सकते हो कि आपकी उंगली जो है वो कहाँ जा रही है, ब्रश में ऐसा नहीं हो पाता है। तो बेस्ट है कि आप अपनी उंगली इस्तेमाल करें, इनसे डॉग को लगती भी नहीं है, खास करके जो उनके जबड़े होते हैं उस पर। तो अभी यहाँ पे ब्लो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर लेके आया जाएगा और फाइनल ब्लो यहाँ पे किया जाएगा। कॉटन कैंडी गैस ही निकालना जरूरी होता है, वरना जो ब्लोअर है वो ज्यादा हीट होता है और अच्छे से काम नहीं करता। तो अब हमारी प्यारी लाडो को पोछा जा रहा है। आ लाडो मजा। अब लाडो के नेल्स कट किए जाएंगे। कई बार पॉज में एक्स्ट्रा बाल आ जाते हैं तो वो भी निकालना होता है। और गाइस लास्ट में किया जाता है कोम। तो गाइस कोमिंग भी हो चुकी है, ये इस तरीके के कोम्स यूज होते हैं। एक ऐसा हो गया, एक ऐसा अभी आपने देखा और एक ऐसा हो गया, तो इस तरीके के कोम्स यूज होते हैं। अब लाडो के ईयर क्लीन किए जाएंगे। गाइस ये वाली मेडिसिन हम भी इस्तेमाल करते हैं, मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वर्टिक कंपनी का आता है। कान साफ किया जा रहा है। लाडो मजा आ रहा है बाबू। ओके अब बाबू आपका दूसरा कान भी साफ किया जाएगा। अभी बड़ी शांत है कान के टाइम पे तो डॉग शांति हो जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस लाडो अच्छे से क्लीन हो चुकी है, अब इसके ऊपर कोई भी बाल दिख नहीं रहा है, बट फिर भी फाइनल ब्लो मार के इसे साफ किया जाएगा। गाइस स्टार्टिंग में आपने देखा था कितने सारे बाल उड़ रहे थे और अभी देखिए बिल्कुल भी बाल नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि इसके जितने भी बाल थे वो डीशेडिंग के दौरान पूरे निकल चुके हैं। लाडो इज क्लीन। लास्ट में हल्का सा कोम किया जाएगा ताकि जो ऊपर ऊपर बाल हैं इधर उड़े हुए वो भी हट जाए। गाइस जैसे इंसानों का बॉडी मिस्ट आता है, डॉग्स का भी आता है, ये बैसिल कंपनी का है, तो अभी हमारी लाडो को बॉडी मिस्ट लगाया जाएगा, इन शॉर्ट डॉग का परफ्यूम। लाडो अब आपसे खुशबू आएंगी बबू। ओके गुड गर्ल लाडो। लाडो का तो सब कंप्लीट हो गया, तो चलिए आपको इस पेट शॉप में लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेट्स के लिए टॉयज मिल जाएंगे, एसेसरीज मिल जाएंगी, साथ ही बहुत सारी आपको ट्रीट्स मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर आपको मास में ऑर्डर करना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रीट्स भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, कैट्स के लिए भी हैं, डॉग्स के लिए भी हैं। यहाँ पे डॉग बिस्किट्स भी हैं अलग अलग फ्लेवर्स के, चाहे डॉग फूड हो कैट फूड हो जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांड्स की हैं। यहाँ पे आपको अच्छी कंपनीज के भी मिल जाएंगे जैसे कि NND जो कि हम भी अपने डॉग के लिए लेते हैं, स्मार्ट हार्ट का भी मिल जाएगा आपको, लैम एंड राइस कैट फूड्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर अलग अलग कंपनी के। साथ ही यहाँ पे आपको लीश मिल जाएंगी, बेल्ट्स मिल जाएंगे, ग्रूमिंग के लिए जो टूल्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डॉग और कैट के बेड्स भी आपको मिल जाएंगे, डॉग्स के वेट वाइप्स, उसके शैम्पूस, ग्रूमिंग के लिए जो जो रिक्वायर्ड होता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैट्स के लिए भी है यहाँ पे। गाइस जैसे इंसानों के लिए प्रोटीन पाउडर होता है वैसे डॉग्स के लिए भी अलग अलग पाउडर्स आते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये सारे सप्लीमेंट्स है जैसे बोन्स का हो गया, हेयर्स का हो गया, कोट वगैरह का हो गया, उन सारी चीजों के लिए। साथ ही यहाँ पे आपको हार्नेस वगैरह भी मिल जाएंगी, छोटे केज भी यहाँ पे मौजूद है, तो आप देख सकते हो। आपको इस शॉप की और इस पेट वैन की फोन नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सी नई अपडेट्स डालते रहते, तो आप हमें उस पे भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।